अब हम ऐसा करते हैं कि उसके ऊपर कुछ गेम्स चला के देखते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। गेम्स में सबसे पहले मैं आपको रियल रेसिंग चला के दिखाता हूँ। मैंने बेसिकली उसका ट्रैक चेंज किया है ताकि ज़्यादा बेहतर हमें आइडिया हो सके। देख सकते हैं कि बिल्कुल सही चल रही है, साउंड भी अच्छी आ रही है। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर में भी आपको पिछली गाड़ियां नज़र आ रही हैं। ओवरऑल रियल रेसिंग जो है उस पर बिल्कुल सही चलती है, उसमें कोई इशू नहीं है, काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो ऐसे करते हैं, कोई और गेम चलाते हैं। अब के लिए मैं GTA वॉइस सिटी हम चला के देखते हैं इसमें। But how will that stop people taking baseball bats and pounding the living crap out of each other, as I saw in a mother's PTA group meeting recently? Baseball is our national sport, our national pastime. GTA वॉइस सिटी जो है वो काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है। इसमें डिफरेंट मिशन्स होती हैं, आप डिफरेंट गाड़ियाँ चला सकते हैं, साइकिलें चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसके ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उस लिहाज से एक हैवी गेम कंसिडर की जाती है HD गेम, और बिल्कुल उस पर सही चल रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। Thank you.
तो ओवरऑल ये भी गेम बिल्कुल सही चल रही थी। फाइनली मैं इसमें आपको नोवा भी चला के दिखाता हूँ। नोवा का ये है कि थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में, लेकिन एक दफ़ा लोड हो जाए तो उसके बाद बिल्कुल सही चलती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी चल रही है। नोवा का ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको शायद लोडिंग के दरमियान ऐसा लगे कि ये स्टक हो गई है, लेकिन स्टक नहीं होती, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, चल जाती है। एक दफ़ा चल जाए तो उसके बाद फिर स्मूथली चलती रहती है, कोई इशू नहीं आता है। तो ओवरऑल अच्छे ग्राफिक्स में काफ़ी इस गेम के लिए, ये भी काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव गेम है, एचडी गेम है, और देख रहे हैं कि बिल्कुल सही चल रही है। ओवरऑल अगर गेमिंग के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप हैवी गेमिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है ये एक बहुत अच्छी चॉइस है। इस पर आप किसी भी किस्म की हैवी गेम्स चला सकते हैं। ये डी डे और इस तरह की गेम्स भी मैंने इस पर खेली हैं, बिल्कुल सही चल रही हैं। तो अगर आप गेमिंग करना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से ये फ़ोन हाईली रिकमेंडेड है। उसके अलावा इसमें स्क्रीन में मैं आपको दिखाऊं कि जो स्क्रीन बेजल है वो काफ़ी नैरो है। आप साइडों से देख रहे हैं कि काफ़ी नैरो है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप इसको नैरो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बाकी फ़ोन से अगर कंपेयर किया जाए जो कि मोबाइल के आ रहे हैं उनसे, जो इसका स्क्रीन बेजल है वो काफ़ी नैरो है, जिसकी वजह से इसकी विड्थ भी कम हो जाती है फ़ोन की, और ओवरऑल इसकी जो हैंडलिंग है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।